नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ आए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जो उनकी दोस्ती थी वो एक बार फिर से वो निभा गए हैं। भले ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर ली हो, लेकिन अपनी जो पुरानी दोस्ती है, जो बाला साहब ठाकरे के संस्कार हैं, वो अभी नहीं भूले। क्या कुछ बड़ा एहसान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने भी एकनाथ शिंदे का इस मामले को लेकर साथ दिया है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार, जब से ही उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ, तब से ही लगातार बीजेपी उन पर हमलावर रही है। लगातार बड़े बड़े आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से, बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए, और इसके साथ ही विचारधारा को लेकर लगातार हमला बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा था। चाहे वो किरीट सोमैया हो, या नारायण राणे हो, या नीतीश राणे हो, या फिर देवेंद्र फडणवीस, हर मौके को भुनाने की कोशिश इन लोगों ने की है और लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर निशाना कसते आए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में एक बड़ा वचन लिया गया है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से एकनाथ शिंदे की तरफ से। जी हां, एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा वचन ले लिया है जो उद्धव ठाकरे के हित में जाएगा, और ये वचन लिया गया है बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस से। और देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें अपने बाकी नेताओं को भी बता दी है। किरीट सोमैया जो लगातार बड़े बड़े खुलासे करते आए हैं, शिवसेना और बाकी जो एनसीपी और कांग्रेस की जो पार्टियां रही, जो उनकी सरकार रही है, उसमें जिस तरीके का खुलासा किरीट सोमैया ने किया था, उसके बाद यही लग रहा था कि किरीट सोमैया को कोई बड़ा पद उनको मिलेगा। और इसके साथ ही किरीट सोमैया अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि लगातार जनता के सामने ऐसी चीज़ों को निकाल कर लाना जो सरकार की नाकामियां रही हैं, जो घपले घोटाले रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की पोल पट्टी अगर किसी ने खोली है तो किरीट सोमैया ने, लेकिन अब किरीट सोमैया ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इस पर बात करते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में एक ऐसा वचन एकनाथ शिंदे ने लिया है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई भी बयानबाजी बीजेपी की तरफ से नहीं की जाएगी। जी हाँ, कोई भी हमला नहीं बोला जाएगा उद्धव ठाकरे पर। अब संजय राउत की बात यहाँ पर नहीं की गई है। संजय राउत पर तो खूब तंज कसे जा सकते हैं, उन पर खुलासे किए जा सकते हैं, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि उनके खिलाफ केस भी चल रहा है, ईडी भी कार्रवाई कर सकती है उन पर, तो संजय राउत के दिन तो बुरे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का बचाव एकनाथ शिंदे कर गए हैं। उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से ये शपथ ली है कि किसी भी प्रकार का हमला बीजेपी उद्धव ठाकरे पर नहीं करेगी। सिर्फ उद्धव ठाकरे पर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, किरीट सोमैया भी नहीं करेंगे। ये वचन लेने के बाद किरीट सोमैया लगातार हमला कर रहे थे उद्धव ठाकरे पर, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने किरीट सोमैया से बात की है और उन्होंने बताया है कि उद्धव ठाकरे पर कोई भी किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं करेगा या हमला नहीं करेगा। और इसकी जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने दी है। एकनाथ शिंदे ने ये बताया है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में हमें वचन दिया है, और वो खुद उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस, बाकी जो नेता हैं वो तो मान गए हैं। नारायण राणे, नीतीश राणे जो लगातार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर ही हमला करते आए हैं, उनके तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उनका क्या इस पर स्टैंड होता है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से ये वचन लिया है, उद्धव ठाकरे के लिए एक राहत की सांस होगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि एकनाथ शिंदे ने जो वचन लिया है बीजेपी से, देवेंद्र फडणवीस से, क्या वो बीजेपी निभा पाएगी या फिर नहीं।